मैंने कितनी लड़कियां देखी, सब मुझे पसंद आई, लेकिन नवीन पीछे से भी लंबे सफर को तय करके आएगा अकेला। सो हाय अगेन, वेलकम टू आर प्यारा सा चैनल। तो हम पार्ट टू में पहुंच चुके हैं और यार पिछले कल जो हम थके हैं और उसके बाद हमें हर्षवाय ने जो अपना रूप दिया है ना, साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। हम तो मतलब परेशान ही हो गए थे, मैं और आकाश भाई। बट वैसे जैसे तैसे रात बीती और फिर समय था एक प्यारी सी सुबह का। दर्द की प्रातःकालीन सैर दोस्तों, मैंने कितनी लड़कियां देखी, सब मुझे पसंद आई, लेकिन मैं उनको पसंद आया। इसलिए पहले लड़की फिर बात आगे बढ़ाना। ठीक है, मेरी तो गाड़ी अटकी है, इनकी चल जाए बस। सो मॉर्निंग वाइब्स लेने के बाद मैं वापस आ चुका था एंड ये दो प्राणी वैसे के वैसे ही पुट्ठे पड़े थे और फ़ोन पे इंजॉय करने लग रहे थे और मैं थोड़ा सा शूट करके आ गया था वापस एंड देन वी गॉट रेडी और फिर हम निकल पड़े आज की अल्ट्रा वाइव्स की ओर। इट्स लाइक बिगनिंग ऑफ डे टू एंड वी आर लिविंग फ्रॉम ऑट। कहाँ जा रहे हो हर्ष भाई? हम पजाई रोपा की ओर फुल ऑन वाइव्स के साथ। दीज आर द वाइव्स इन फ्रंट ऑफ आर्ट लोकेशन। नहीं ये फोटोग्राफर थोड़ा सा भी फोटोग्राफर नहीं ग्राफ्स। अच्छा ग्राफ्स नहीं होता तो फोटोग्राफ्स बोलू थे मैं। पौड़ा करो पौड़ा करो टिब्बा को टिब्बा सीढ़ी टुगी ते बस ऊफ ऊ ऐसे ये नहीं आना चाहिए ना इसमें। चुप हो जाओ। सो लेट्स
एंजॉय द वाइब्स, अब क्या बोलूं। फिर गाड़ी रुक गई। सो आप लोग सोच रहे होंगे शूट तो कर रहे हैं लेकिन ये शूट कर क्या रहे हैं। सो यू नो मनुष्य जीवन में 16 इम्पॉर्टेंट संस्कार होते हैं, जैसे कि एक विवाह संस्कार है, उसी प्रकार मुंडन भी एक संस्कार है। सो आज हम यहाँ इस प्यारे से बेबी का मुंडन संस्कार, जिसको जट्टू भी कहते हैं, उसकी मेमोरीज को कैप्चर करने आए हैं। और ये जो कार्यक्रम होगा ये होगा यहाँ से सीधे 17 किलोमीटर दूर पुंडरीक ऋषि जी के टेंपल पे, जो कि है पजैई में। एग्जैक्ट लोकेशन है रोपा, जो कि यू नो जंगलों के बीच में बहुत सही जगह है। तो अब हम यहाँ से सीधे जाएंगे रोपा की ओर, थोड़ा सा यहाँ शूट कर लेंगे एंड देन वी गोना एंजॉय द वाइब्स थ्रू रोपा वैली। तो लेट्स गो विद फ्लो। So as you already can feel the vibes of this valley, you know, बहुत ही सही है, मतलब रास्ता भी अल्ट्रा फील वाला, तो नेचर की भाई वाह बहुत सही, बहुत सही, मतलब सुंदरता अप्रतिम। एंड वी वर क्लोज टू आवर फाइनल डेस्टिनेशन जो कि रोपा में है। यहाँ से अब हमें ट्रैक करना होगा थोड़ा सा, आई गेस 30 से 40 मिनट का। सो लेट्स इन्जॉय द ट्रैक टुगेदर। सो लिटल अपडेट, बोर्ड से काफ़ी ऊपर आ रहे हैं हम और अब भी काफ़ी ऊपर जाना है। सो दिस इज हाउ वी अर्न मनी, इट्स नॉट जोक, परिश्रम है। अब हमें चलते चलते बहुत ऊपर पहुंचना है, आई डोंट नो कहाँ, बट बहुत ऊपर लग रहा है क्योंकि यहाँ से तो अब तक लोग चल ही रहे हैं और रुक ही नहीं रहे हैं। तो चलते हैं डायरेक्ट, बैटरी कम है तो फिर यू नो इश्यूज हो गए। Thank you.
ये आज का हमारा डे हाइक और रशोई का। नवीन पीछे से भी लंबे सफ़र को तय करके आएगा अकेला। यार ट्रैक बहुत सही था क्योंकि हम शूट पे आए और टाइम कंस्ट्रेंट भी था, तो मैं ब्लॉग की खातिर उतना शूट नहीं कर पाया। बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर इट वाज इनसेनली ब्यूटीफुल। सो एज़ यू नो हम फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुके हैं। सो या एंजॉय द वाइब्स फ्रॉम रोपा।